भाइयों, ये जो शुरुआत हुई थी, मैंने 10 दिन से मैं इसी मैड्डे की निगरानी में था। सबसे पहले गन्ने के मैड्डे की कंडीशन ये होती है। कुछ भाई ये भी देख रहे हैं कि अपने खेतों में अगर इस तरीके की शुरुआत होगी तो ये कंडीशन आगे तक बढ़ेगी। ये मैड्डा हो गया जिस तरीके से, ठीक है जी। ये हो गया, इससे आगे देख लो आप, ये हो गया। मतलब खेत में अगर आप अंदर तक जाओगे तो ये शुरुआती लक्षण दिखा रहा मैं, और इस लक्षण से बाद में कंडीशन आपकी कहाँ तक पहुँचेगी वो दिखाता हूँ। ये कंडीशन पहुँचती है भाइयों इस मैड्डे तक, ये देख लो जी, यहाँ तक सिचुएशन खराब होनी है। फिर ये शुरुआती लक्षण दिखाने से बाद में ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो भाई क्या चीज है, कमाल हो गया जी। ये देखो जी, फिर मैड्डा आपका इस तरीके का हो जाएगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच पर, फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज की वीडियो जो है अपने किसान भाइयों के लिए 0238 गन्ना वैरायटी को लेकर है। भाइयों पिछले साल 0238 गन्ना वैरायटी में बहुत जबरदस्त रोग रहा, चाहे आपका मिली बग हो, ब्लैक बग हो, और उससे अलग भी भाइयों फंगस की कितनी तरह की, रेड रोट तक की गंभीर बीमारी 0238 में पिछले साल बहुत जबरदस्त तरीके से थी। अब की बार में किसानों ने जो है, जो पौधे छोटे थे बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी, बहुत अच्छे कलर थे, कुछ भाई तो ये भी कह रहे थे कि अब की बार में बीमारी कम है। बीमारी कम जरूर है, लेकिन आज आपको एक ऐसा खेत दिखाऊंगा, यहाँ पे भाइयों ना तो पेड़ है, कुछ लोग कहवे कि ये जो बैठने वाला रोग बतावा है किसान तो ज्यादातर इसे कि पेड़ के नीचे ज्यादातर शुरुआत होती है, लेकिन ये फंगस है और इसी फंगस से जो है रेड रोट तक पहुंच जाता है ये कंडीशन। तो मैं आपको ये गन्ना दिखा रहा हूँ इस तरीके से, एक जगह से शुरुआत होती है, ये देख लो जी, और इसमें इस ठेक से शुरुआत हुई और ये ही जो है खेत में अंदर तक चली जाएगी और पूरा का पूरा खेत जो है ये बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी है 0238 की। अब तक जो किसान भाई मेहनत करके अपने खेतों को यहाँ तक लेकर आए, तो सोचने वाला विषय जरूर है, अगर इस सीजन में 0238 इस चीज से बच गया तो जरूर उम्मीद करी जा सके कि एक आध साल ये चल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को देख के मन में आवे कि भाई 0238 अब नहीं चलने का, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पेड़ है भाइयों, और इस खेत में पिछले साल भी मैं बता दूं गन्ना पौधे की भी मैंने एक वीडियो डाल ली थी कि 25 क्विंटल का 20 का किसान का एवरेज आया, क्या बचा गन्ने में। तो रोग पिछले साल भी खेत में जबरदस्ती था, बाकी का 2-3 दड़िया है, परली तरफ भी है 2 दड़िया इसमें, इसी तरीके से ये इसमें फंगस से जो है काम शुरू हो गया। कमेंट करके जरूर बताइयो बीमारी से कौन सी बोल रहे, ये देख लो जी हालत मैं दिखा रहा आपको, बिल्कुल बारीकी से क्या उपचार इसका हो सके, क्योंकि अपने किसान भाई इतने अनुभवी है, किसी ने इस तरीके की कंडीशन में देखा हो कि समाधान हो गया हो, किस चीज से समाधान मिला, कौन सी बीमारी आपको ये लग रही है, क्या 0238 चल पाओगा, बहुत सारे सवाल इस वीडियो से शुरू हो जाते हैं, तो कमेंट आपको जरूर करके बताने पड़ेंगे। तो भाइयों ये कंडीशन 0238 की फिलहाल में है, और यही दिखाने के लिए एक वीडियो शूट करी कि अपने किसान भाई जो है अपने खेतों पर घूमे, इस तरीके के अगर गन्ना पौधा हो रहा तो मेरे हिसाब से तो इसे जड़ से ही खत्म कर दिया जा तो ज्यादा बेस्ट होगा। बाकी का कमेंट करके इस वीडियो में मैं कमेंट सभी के देखूंगा, पढ़ेंगे क्या क्या चीज इसमें आई निकल के, कोई विशेषज्ञ भी देखे, कोई गन्ना मिल प्रबंधक का GM देखे, तो कोई भी देखे इसमें बतावे जरूर, क्योंकि ये समस्या हमारे गाँव में कई किसानों के यहाँ पे अब आ गई। अभी तो बरसात नहीं शुरू हुई, ये बरसात में ज्यादा आती है। 0238 एक बार को बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाए, जब ये बैठना शुरू हो भाई नीचे को, तो भाइयों बिल्कुल फिर रुकता नहीं किसी भी चीज से, इसी चीज से किसान अब डरने लगे। और आज आपको अब के सीजन का मैंने अब तक जो है ना तो ये बीमारी इतनी दिख रही थी, और आज इस पौधे में दिखी, तो ये मैं आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रहा है, देख लो जी किस तरीके से बर्बाद कर दिया है मैड्डा, बिल्कुल जू का तू सारा का सारा, और ये पता नहीं कैसी फफूंद है वो, बहुत ही खतरनाक वाली है कुल मिलाकर जो भी हो सकता हो, तो इसे तो देख के डर लग रहा। तो भाइयों
सभी अपने खेतों पर घूमे, इस चीज को देखे और इसका जो है जल्दी से जल्दी नियंत्रण यही हो सके कि इसे आप खेत से बाहर करें बहुत जल्दी और अपने खेत गन्ने पर दवाई करें। अगली वीडियो में इसी गन्ना पेडी को लेकर बढ़ाऊंगा, कल या परसों में आपको वीडियो मिलेगी कि इस गन्ने की इस सिचुएशन में किसान इसका क्या उपचार करे। लोगों के परामर्श जो आएंगे उनमें जो तोड़ निकल का आऊंगा कि बेस्ट सबसे क्या है। 3-4 सालों से लगभग 0238 में आ रहा है, तो आपके लिए बहुत जल्द वीडियो आओगी कल या परसों में। और अपने खेतों पे विजिट करते रहे भाई, आगे पीछे चारों तरफ बीच में घूम के देखते रहे जरूर। हालांकि ये रोग जो है एक धोरे पे ही आता है कोने से, लेकिन कहीं पे कंडीशन ये हो कि पेड़ के नीचे से शुरू हो जा, कहीं पे हो बीच में से, कहीं पे कहीं, मतलब कुछ नहीं पता चलता कहाँ से शुरू हो जा। और 0238 में खासतौर पर घूमने की जरूरत इस वजह से भी है, अपने खेतों में घूम कर विजिट यो करा, क्योंकि रेड रोट के भी चांस 0238 में लगातार बने हुए हैं। पिछले साल बहुत सारे किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ। तो भाइयों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल परसों में आपके लिए लेकर आऊँगे। इसे वीडियो को देखा ध्यान से और मैंने बहुत ही कैमरे की नज़र से मतलब आपको दिखा दिया क्लियर कि है क्या चीज़। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार भाइयों, दूसरा खेत पर आ गया मैं, गन्ना पेड्डी का है। आपको बाहर से खेत बहुत बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है जी, ना कोई समस्या है, लेकिन इसमें हम घूम कर आए, थोड़ा सा अंदर तक गए, कितने सारे मेड्डों में ये देख लो जी, वही वाली शुरुआत थी, पाउडर भी था इसी तरीके का, और ये देख लो जी कंडीशन, ठीक है जी। इससे अलग एक खेत और दिखाता हूँ आपको आगे, ये देख लो खेत, आपको बाहर से बहुत साफ लग रहा होगा लेकिन इसमें कई जगह मेड्डे पाए गए इसी तरीके के। तीसरा खेत भाइयों, ये खेत बहुत नज़दीक है, इस खेत में भी ये दड़िया बैठने वाला काम शुरू हो गया यहाँ पे, लेकिन पेड़ है, किसान बता रहे कि भाई पेड़ की वजह से हो, मैंने बिना पेड़ वाला भी दिखाया। तीसरा खेत ये दिखा दिया आपको, इससे आगे जस्ट इसके सामने ही देख लो भाइयों, ये चौथा खेत हो गया 0238 का। अभी मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाऊंगा इसमें किस तरीके से चलता काम। ये देखो जी, यहाँ पे बैठी ये गन्ने यहाँ से काट लिए गए और अब आ गया और मेड्ढों में भी ये बढ़गी, ये देखो जी। तो कोई भी भाई ये ना सोचे कि अब कई बार में बीमारी कम है, अब बारिश आ गई या टोबोर की वे रुकेगी या आ गया और कोई बीमारी गन्ने में नहीं आने की, तो भाई अपना स्प्रे करके, अभी गन्ना छोटा है, ध्यान कर लो, ये देख लो जी किस तरीके से बैठे पड़ी गन्नी, ठीक है जी, कितना सीधा हो गया। और इस खेत में जगह जगह पर यही दड़िया इसी तरीके से बैठ रही है।